सब्सक्राइब टेक्निकल फ्रिक्स एंड प्रेस द बेल आइकन। और क्या फिल्म चल रहा है? सब बढ़िया। आज मैं आपको बताऊंगा आप किसी एक पर्टिकुलर ऐप के लिए इंटरनेट ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। मानिए आपके पास 15-20 एप्लीकेशंस है, उनमें से आप किसी एक ऐप का इंटरनेट बंद कर सकते हैं, बाकियों में चला सकते हैं, या इससे उल्टा भी कर सकते हैं, एक ऐप का इंटरनेट ऑन कर सकते हैं, बाकी को ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे आप पबजी खेल रहे हैं, आप बाकी व्हाट्सएप या मैसेंजर के नोटिफिकेशंस नहीं चाहते, तो आप एक एक करके सबको म्यूट तो कर नहीं सकते, डिसेबल नोटिफिकेशन तो कर नहीं सकते, तो आप उनको कनेक्शन मत दो। बाकी एप्लीकेशन को जब कुछ काम कर रहे हो तो इंटरनेट कनेक्शन मत दो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और काफ़ी सारे और चीज़ों में काम आता है। मैं हूँ शांतनु, आप देख रहे टेक्निकल फ्रिक्स यूट्यूब चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिरी तक देखिए। साथ ऐसा होता ना, मैं जब कुछ काम करता हूँ तो ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस, फेसबुक मैसेंजर के मैसेजेस। मैं क्या करता हूँ, काम करते टाइम इनके इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर देता हूँ, बाकी तो मेरा इंटरनेट चलता रहता है। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो या मोबाइल नेटवर्क, वो तो चालू रहेंगे, बट किसी जिसको आप चुनोगे उसी ऐप का मतलब इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाएगा एक लोकल फायरवॉल के थ्रू, मतलब एक फायरवॉल क्रिएट कर देगा कि इन ऐप को ब्लॉक करेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना अपने गूगल प्ले स्टोर में या सर्च करना नेटगार्ड, नेटगार्ड सर्च करोगे तो आ जाएगा नो रूट फायरवॉल, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है, तो अपनी पॉलिसी वगैरह समझाएगा, ओके कर देना है। फिर यहाँ तरह तरह के ओवरलेस में आएंगे चीज़ें, वो आपको समझाने के लिए कैसे काम कर रहा है, ओके कर देना है। फिर ऊपर आपको एक स्विच दिख रहा होगा ऑन करने का, उसको ऑन करना है। तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ करने बोलेगा कि मतलब इसको बैकग्राउंड में रन करना, तो सेटिंग में जाकर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ करना है। और एक VPN से कनेक्ट करने बोलेगा, क्योंकि ये कहीं सर्वर से कनेक्ट नहीं कर रहा, आपके फ़ोन में एक लोकल VPN बना रहा है ताकि इंटरनेट फायरवॉल को मतलब कंट्रोल कर सके, किसको ब्लॉक करना किसको नहीं करना। VPN कनेक्शन को ओके कर देना है। ओके करने के बाद जैसे देखोगे ये ऑन हो गया, यहाँ आपके इंस्टॉल्ड ऐप लिस्ट है जो इंस्टॉल आपने कर रखा है एडिशनल, उसमें से आप मतलब कुछ डिसेबल कर सकते, कुछ भी। जैसे यहाँ दो आइकन्स दिखेंगे आपको, एक वाईफाई का और एक मोबाइल नेटवर्क का। अगर आप मोबाइल डाटा में चला रहे तो मोबाइल डाटा में टैप करना तो वो बंद हो जाएगा, अगर आप वाईफाई में चला रहे हो वाईफाई में टैप करना वो बंद हो जाएगा। आप साथ दोनों ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वाईफाई में चला रहा हूँ, मैं गूगल क्रोम में गया, गूगल क्रोम का मैंने वाईफाई एक्सेस बंद कर दिया, वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन। उसके बाद मैं इंटरनेट गूगल क्रोम खोलता हूँ, कुछ सर्च करता हूँ, देखते हो तो इंटरनेट नहीं चलेगा, बहुत देर से अटका पड़ा है। और तभी आपको मतलब प्रूफ के लिए अगर मैं सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र खोलूं, जो मतलब दूसरा ब्राउज़र है, उसमें देखोगे मतलब इंटरनेट स्पीड चेक करो, उसमें तो बढ़िया चल रहा है। तो आप ऐसे किसी ऐप के लिए रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप देखोगे तो अगर व्हाट्सएप के लिए करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरदर्दी यही देता है जब हम गेम खेल रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, व्हाट्सएप पे गए हमने मतलब अभी एक मैसेज करके दिखाया कि हाँ हाय भेजा तो जा रहा है, अभी इधर आके हमने व्हाट्सएप को रेस्ट्रिक्ट कर दिया वाईफाई कनेक्शन से, अगर आप मोबाइल डाटा यूज़ करते हो तो मोबाइल डाटा से। फिर उसके बाद मैं मैसेज देता हूँ, देखो कि वेटिंग पे जाएगा क्योंकि कनेक्शन है ही नहीं इस ऐप में। तो ऐसे ही आपका बहुत काम आ जाएगा। और साथ ही साथ आप सिस्टम ऐप को भी कर सकते हो, वो मैं बताऊँगा कैसे। आपको ऊपर जाना है ट्रिपल डॉट मेनू में जो कोने में है उस पर आपको जाना है, उसमें से आपको खोलना सेटिंग्स। सेटिंग्स खोलोगे तो आप यहाँ आएगा एडवांस ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन में जाके मैनेज सिस्टम ऐप आएगा, इसको टिक को ऑन कर देना है। इस टिक को ऑन कर दोगे तो आपके सारे सिस्टम ऐप भी आ जाएंगे, तो आप जिसको चाहे ऑफ कर सकते हो। अगर आपका सिंक सर्विस है, या जो सैमसंग अपडेट स्टोर है, सैमसंग स्टोर है, या आपके फ़ोन में कोई स्टोर है, उनका भी नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो। तो आप ऑफ करोगे तो मतलब नोटिफिकेशन चला जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपका कुछ बैकअप्स हो, उनका भी इंटरनेट मतलब कनेक्शन ऑफ कर सकते हो। और साथ ही साथ हम दोबारा सेटिंग्स पर जाते हैं, ट्रिपल डॉट मेनू पर क्लिक करके, यहाँ वाइट एंड ब्लैक लिस्ट है। अगर आप यहाँ से ब्लॉक वाईफाई कर देते तो बाय डिफ़ॉल्ट सबका वाईफाई ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप मतलब बहुत सारे ऐप को करना चाहते हैं तो ब्लॉक वाईफाई कर देना, फिर वहाँ जाके देखोगे तो सबका वाईफाई ब्लॉक है। अब आप जिसे चाहे उसको अनब्लॉक करके उसका इंटरनेट एक्सेस पा सकते हो। साथ ही साथ ये नियम लागू होता है ब्लॉक मोबाइल में भी, आप ब्लॉक मोबाइल करोगे तो सबका मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाएगा। और सबसे बढ़िया जो मुझे फीचर लगा एडवांस, जब एलो वाईफाई व्हेन स्क्रीन ऑन, एलो मोबाइल व्हेन स्क्रीन ऑन, मतलब जब तक आपका स्क्रीन ऑन रहे तभी तक ये मतलब डाटा देगा, स्क्रीन लॉक होने के बाद डाटा कनेक्शन सबका ऑफ कर देगा, या आप जिस ऐप को चाहो उसका ऑफ कर देगा। अगर आपको लगता है कि ये बैकग्राउंड में डाटा लेता है तो ये ऑफ कर देगा। तो ये काफ़ी एक बढ़िया चीज़ है। और साथ ही साथ आपको और सारे स्पीड नोटिफिकेशन, नेटवर्क ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा, जो आपको खुद चेक कर लेना है। और आप नहीं चाहते तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हो,
ऊपर बटन दिया रखा है ऑफ कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ फिल्टर के भी ऑप्शन है। बस यही था आज के वीडियो में, मैंने आपको बताया कि कैसे आप किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ऐप का इंटरनेट ऑन ऑफ कर सकते हैं और अपना डाटा बचा सकते हैं, बैकग्राउंड डाटा स्पाई होने से बचा सकते हैं, या फालतू के नोटिफिकेशन नहीं पाना चाहते, तो ये तरीका बहुत ज़्यादा काम करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कुछ पूछना है, नए वीडियो का सजेशन देना तो नीचे कमेंट करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ज़रूर काम आएगा और बढ़िया काम आएगा। चैनल ने सब्सक्राइब कर रखा तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में जल्द। बाय।